ऊपर गया। हाँ ऊपर। तो दोस्तों आप देख सकते हैं जहाँ पर इंसान रहता है वहां पर खाने पीने की सारी चीजें हैं और ये शाम दूसरे छत पे आ चुका है, तो ऐसे में खतरा तो बना रहता है। तो दोस्तों देख सकते हैं हम अपने वीडियो में कई बार आपको बताए हैं कि जहाँ पर किचन होता है यानी कि जहाँ पर इंसान रहता है वहीं पर अनाज गिरता है और अनाज को खाने के लिए चूहा अक्सर हमारे घरों में घुसते हैं और चूहे को खाने के लिए कोबरा घर में प्रवेश कर जाता है। आप देख सकते हैं कि चारों तरफ से पूरी तरीके से अच्छे से साफ सफाई है, किचन रूम है, काफी सम्मानित लोग रहते हैं तो ऐसे में फैमिली भी आ रहती है। अब इसी के आसपास में कोबरा सांप छिपा हुआ है, चलिए निकाल के दिखा दें। ये सब वही गिरा है क्या? नहीं अभी डर से इसके तो दोस्तों यकीन नहीं होता ये दूसरा छत है, दूसरे तल्ले पे सांप कहाँ से आ गया? बाहर तो नीचे तक क्लीन है ना, तो दोस्तों देख सकते हैं यकीन नहीं होता इंडियन स्पेक्टिकल्ड कोबरा और वो भी बिग साइज का तकरीबन 3.5 से 4 फीट के आसपास में है, न्यूरोटॉक्सिस का वेनमस स्नेक। तो दोस्तों आप देख सकते हैं शायद ये चूहा खाया हुआ है, शायद तो दोस्तों आप देख सकते हैं इसकी फुंकार को। दोस्तों आप देख सकते हैं ये स्थिति बहुत कम देखने को मिलती है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये तकरीबन 3.5 से 4 फीट के आसपास का है, इसे ही इंडियन स्पेक्टिकल्ड कोबरा कहते हैं। तो ये कोबरा सांप अक्सर हमेशा इंसान के घर में मिलते हैं तो थोड़ा सा इससे सावधान होने की जरूरत है। जब भी ऐसा सांप बाइट करता है तो कोई झाड़ फूक नहीं, कोई तंत्र मंत्र नहीं, सीधा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ही जाए क्योंकि खतरा तो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। आइए इसे निकाल करके बाहर दिखाते हैं आपको, ठीक है सर? चलिए यकीन नहीं होता ये कैसे आ गया अंदर, तेल लगा क्या? तो दोस्तों देख सकते हैं ये टाइल्स है, बैठ जाओ आराम से। अच्छा वहाँ जाओ, इधर आ जाओ, उस पर खाना भी है, इधर आ जाओ, ज़्यादा इधर उधर डांस ना करो। तो दोस्तों ये 4 फीट का है इंडियन स्पेक्टिकल्ड कोबरा, काफ़ी बिग साइज का है तो इसी को कोबरा कहते हैं। चलिए आप वहाँ
तो दोस्तों इसी को इंडियन स्पेक्टेटर कोबरा कहते हैं और इसी को नाक कहते हैं, इसी को फटार कहते हैं। हैरत की बात यह है कि ये दूसरा कल है, नीचे होता तो सांप तो चल जाता लेकिन ऊपर कैसे दिख गया, यकीन नहीं होता ये सांप छत पे कैसे आया। तो खतरा तो कहीं से भी आ सकता है। तो ठीक है दोस्तों, इसे हम पैक करते हैं डिब्बे में और लेके चलते हैं नीचे की तरफ। तो दोस्तों ये बाइट करने के फिराक में है और गुस्से में है थोड़ा। तो चलिए दोस्तों इसे पैक कर दिया डिब्बे में। इस वीडियो को देखकर ऐसी गलती आप नहीं कीजिएगा, नहीं तो आपके साथ हादसा हो सकता है। ये काम सिर्फ एक एक्सपर्ट के लिए है। से ढक्कन इसका ढक्कन ढक्कन आ जाए। तो दोस्तों इसको देखकर ऐसी गलती आप नहीं कीजिए, नहीं तो खतरा आपके साथ हो सके। एक मिनट चलो, नहीं बंद। तो इसमें ऑक्सीजन लेने के लिए बनाया गया है। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही और आपसे मिलकर के मुझे बहुत अच्छा लगा। आप सभी को गुड नाइट, बाय और बने रहिए इस वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।